हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू डैन लॉन्ग इन टू लेक्चर सीरीज वी आर गोइंग टू डिस्कस द इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर्स एक्ट 1946 सो so, इसके बारे में जानते हैं जो इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर्स एक्ट 1946 है सो so, ये एक्ट आया कब था सो ट्वेंटी थर्ड ऑफ अप्रैल 1946 को ये इैक्ट हुआ था और ये जो एक्ट है एक्सटेंड करता है होल ऑफ इंडिया ओके इट एक्सटेंड्स टू द होल ऑफ इंडिया ओके जो कि अकॉर्डिंग टू सेक्शन वन इसका है तो ज़्यादा देर ना करते हुए इसके कुछ इंट्रोडक्टरी पार्ट को जानते हैं सबसे पहले कि ये बताऊँगा मैं स्टेंडिंग ऑर्डर होता क्या है उससे पहले जानते हैं इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी थी इनिशियली बिफोर पासिंग ऑफ द एक्ट दे आर बाउंड बाई एग्रीमेंट बिटवीन इम्प्लॉयर एंड वर्कमैन एंड द इम्प्लॉयर यूज टू रिक्विट डिफरेंट वर्कमैन बाई लेइंग डाउन हिज टर्म्स एंड कंडीशंस सो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ अ वर्क मैन इज डिफरेंट फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अनदर वर्क मैन सो द वर्क मैन वॉज पुअर इन सोसाइटी एंड दे व एक्सप्लाइटेड फुली जैसे कि पता है कि इम्प्लॉयर अपना कहीं ना कहीं वो एक तरीके से अपना एक एम्प्लॉयर एक तरीके से अपने आप को किंग मानता था मतलब एटीट्यूड ऑफ जो इम्प्लॉयर हुआ करता था उस जमाने में कहीं ना कहीं एक तरीके से जो कि एक्सप्लाइटेशन करता था वर्कमैन का जो लेबरर जो वर्क करते थे उसके साथ एक्सप्लाइटेशन होता था तो व्हेन द एम्प्लॉयर हैज़ हिज ऑन फ्रीडम जब एम्प्लॉयर के पास अपना फ्रीडम था ही यूज़ टू ट्रीट डिफरेंट वर्कमैन डिफरेंटली ओके टू कटेल दिस एक्शन दिस इैक्टमेंट पास्ट अब ये ये जो इनैक्टमेंट जो है इसलिए पास किया गया क्योंकि इसके पास करने के पीछे वजह क्या था इसको पास करना इसलिए पड़ा क्योंकि यहाँ पे ये बात करता है राइट्स का बेसिकली तो सबसे पहले आपको ये मैं बता देता हूँ इंडस्ट्रियल स्टैंडिंग ऑर्डर होता क्या है इसके सारे जो सेक्शन दिए गए हैं ना वन से लेकर फिफ्टीन तक जो इंपॉर्टेंट सेक्शन है वो मैं बताऊंगा इसमें जिस सारे सेक्शन इसके फीचर्स को बताते हैं तो सबसे पहला एक्चुअली ये है कि इंडस्ट्रियल इम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट नाइनटीन जो है ये लेबर लॉ में बताया गया है और इसके बारे में ये है कि स्टैंडिंग ऑर्डर एक्चुअली डिसाइड्स कंडीशंस ऑफ एम्प्लॉयमेंट कि जो भी एम्प्लॉयमेंट की कंडीशन टर्म्स एंड कंडीशन क्या होगा आखिर वहाँ पे इम्प्लॉयर है जो मालिक है जो नौ, नौकरी देने वाला है और जो नौकरी करने वाला है जो वर्कर है लेबरर है या फिर ट्रेड यूनियन के जो मेंबर है वो सारे जो काम कर रहे हैं तो ये इनके राइट्स क्या होंगे इनके टर्म्स एंड कंडीशंस क्या होंगे तो कुछ ऐसा यहाँ पे डिफाइंड नहीं था सो स्टैंडिंग ऑर्डर का मेन बेसिकली स्टैंडिंग ऑर्डर एक्चुअली डिसाइड्स कंडीशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट और इफ एम्प्लॉयर प्रोवाइड्स जॉब टू एनी पर्सन देन वॉट आर द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द एम्प्लॉयमेंट अगर कोई एम्प्लॉयर है किसी को जॉब प्रोवाइड कर रहा है नौकरी दे रहा है तो क्या उस नौकरी का टर्म्स एंड कंडीशन होगा यह स्टैंडिंग ऑर्डर बेसिकली बताता है ओके okay. तो सबसे पहले लाइक वर्किंग शिफ्ट क्या होगा अटेंडेंस क्या होगा लाइक like, लेबर जो आ रहा है काम करने वाला जो इंप्लाइज आ रहे हैं उनके अटेंडेंस क्या होंगे लाइक like, जो लेट आ रहा है तो उसका सैलरी का कितना हिस्सा कटेगा परमानेंट है टेम्पररी है बेसिस पे जो इंप्लाइज जो होते हैं परमानेंट है टेम्प्रेरी बेसिस पे कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे ये सारी चीज़ें उसमें मेंशन होता है लाइक इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट के बारे में बात करता है कब खुलेगा कब बंद होगा सस्पेंशन डिसमिसल के बारे में बात करता है गिरवानस रेड उनका जो शिकायत कौन सुनेगा तो हर चीज़ कहीं ना कहीं मेन्शन होता है तो ये तो जान गया स्टैंडिंग ऑर्डर क्या बताता है कि टर्म्स एंड कंडीशन जो एम्प्लॉयमेंट का उसका वो बताता है बेसिकली स्टैंडिंग ऑर्डर तो मुझे लगता है ये क्लियर हो गया अब बताता हूं कि इसके अंदर जो जैसे कि मेन ऑब्जेक्टिव इज इट इम्पोजेस ऑब्लीगेशन ऑन एम्प्लॉयर टू स्पेसिफाई द डेफिनेट टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड कंडीशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट जैसे कि मैंने अभी बताया दिस एक्ट वॉज पास इन नाइनटीन फोर्टी इट इज क्लियर नाउ ओके एवरी कंडीशन ऑफ द एम्प्लॉयमेंट शुड बी और सेल बी मेड नोन टू द वर्कमैन ओके एंड द मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस एक्ट इट डील्स विद कंडीशन ऑफ सर्विस ऑफ एम्प्लॉयमेंट देखिए कोई भी आजकल के जमाने में कोई भी जॉब होता है कोई भी इंप्लॉयमेंट किसी को कोई इंप्लॉयर किसी को नौकरी पे रखता है तो कहीं ना कहीं टर्म्स एंड कंडीशन होता है उसका तो वही बता रहे है यहां पे मेजर पर्पस इज टू रेगुलेट द कंडीशन ऑफ सर्विस ऑफ एम्प्लॉयमेंट जो मेजर जो पर्पस इसका होता है कि कंडीशन ऑफ सर्विस ऑफ एम्प्लॉयमेंट बाई द इंप्लॉयर स्पेशियली इन कनेक्शन विद रिक्यूपमेंट जब बहाली निकलता है तो उसका टर्म्स एंड कंडीशन उसमें बताता है कि ये टर्म्स एंड कंडीशन है इस एम्प्लॉयमेंट का जैसे देखे हो गए डिस्चार्ज डिसमिस डिसिप्लिनरी एक्शन लीव विथ वेजेज हर चीज यहां पे मैंशन होता है तो ये तो इंट्रोडक्शन हो गया अब आते अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट क्या होता है जैसे कि मैंने बताया कि अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों होते हैं अब सेंट्रल गवर्नमेंट के बारे में मैंने बताया था कि ये डिपेंड करता है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंडस्ट्री पे एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंडस्ट्री पे डिपेंड करता है ओके okay? कि इंडस्ट्री की एस्टेब्लिशमेंट कहाँ कहाँ है मान लीजिए इंडस्ट्री ए बी सी है इसकी एस्टेब्लिशमेंट पाँच से छः राज्यों में है मान लीजिए कि वो हरियाणा में भी है मान लीजिए वो तमिलनाडु में भी है केरला में भी है पंजाब में भी है और झारखंड में भी है तो राज्यों में है तो कहीं ना कहीं यह है कि सारे राज्यों में जो एस्टेब्लिशमेंट है इंडस्ट्री की तो यह सेंट्रल गवर्नमेंट यहां पे अप्रोप्रियट गवर्नमेंट स्टेट के अंदर आ जाएगा मान लीजिए हरियाणा में है मान लीजिए तमिलनाडु में केवल स्पेसिफाइड स्पेसिफिक जो एस्टेब्लिशमेंट है इंडस्ट्री का एक ही स्टेट में है। तो वहां पर अप्रोप्रियट गवर्नमेंट वो हो जाएगा अब जैसे यहां गया सेंट्रल गवर्नमेंट इज डिम्ड टू बी गवर्नमेंट फॉर फॉलोइंग लाइक एनी इंडस्ट्री विच इज अंडर द कंट्रोल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट जैसे मैंने बताया अभी कि पांच इंडस्ट्री है पांचों राज्यों में तो है पर उसकी एस्टेब्लिशमेंट जो हुई है अब उसका अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट सेंटर होगा क्योंकि वो एक राज्य में तो है नहीं तो एस्टेब्लिशमेंट पे डिपेंड करता है ओके सो एनी इंडस्ट्री विच इज अंडर द कंट्रोल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट सेकेंड वन रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बात कर रहा है थर्ड वन मेजर पोर्ट माइन और वाइल्ड फील्ड वगैरह का बात कर रहा है सो वनली फॉर दीज इंडस्ट्रीज सेंट्रल गवर्नमेंट इज एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट इन ऑल अदर केसेज स्टेट गवर्नमेंट इज एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट इसके अलावा जो बचा हुआ है वो सारे स्टेट गवर्नमेंट के अंतर्गत आएगा ओके टू सी सर्टिफाइंग ऑफिसर कौन होगा अब यहां पे सीओ का बहुत बड़ा महत्व होता है सीओ मतलब सर्टिफाइंग ऑफिसर क्योंकि इंप्लायर ट्रेड यूनियन रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ट्रेड यूनियन ये सब तो जान गए अब सर्टिफाइंग ऑफिसर कौन होता है देखिए सर्टिफाइंग ऑफिसर लेबर कमिश्नर होगा रीजनल लेबर कमिश्नर होगा एनी अदर ऑफिसर अपॉइंटेड बाय द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट एज अ सर्टिफाइंग ऑफिसर अब सर्टिफाइंग ऑफिसर का काम होता है कि सर्टिफाई करेगा ओके okay, तो इस सारा काम इसी का होता है यहाँ पे सर्टिफाइंग ऑफिसर का और सर्टिफाइंग ऑफिसर लेबर कमिश्नर हो सकता है रीजनल लेबर कमिश्नर हो सकता है दे आर सर्टिफाइंग ऑफिसर कोई भी अदर ऑफिसर हो सकता है अगर कोई भी अप्रोप्रियट गवर्नमेंट उसे अपॉइंट करती है तो सो so, ए और एम्प्लॉयर यहां पर ऑनर और फैक्ट्री के जो मैनेजर होते हैं और ऑनर इंडस्ट्री के होते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर दे आर द ऑनर ऑफ एम्प्लॉयर ओके अब बता रहा हूं आगे जो कि इसके सेक्शन आते हैं सेक्शन टू क्लॉज जी स्टैंडिंग ऑर्डर को बताता है स्टैंडिंग ऑर्डर इज अ सेट ऑफ रूल्स स्पेसिफाइड इन दिस शेड्यूल ऑफ़ द एक्ट इट वॉज इनैक्टेड टू प्रिवेंट एक्सप्लाइटेशन ऑफ द वर्कमैन की वर्कमैन जो होता है काम करने काम काजी वाला जो लोग होते हैं उन उनकी जो एक्सप्लाइटेशन हो रही थी उसके लिए लाया गया था सो एम्प्लॉयर यूज टू गिव हीज ऑन कंडीशन सो यहाँ पे जो है विद इन द शेड्यूल दे है स्पेसीफाइड सर्टन रूल्स और सब्जेक्ट मैटर्स ऑफ द स्पेसिफाइड सेट ऑफ रूल्स आर लाइक यहाँ पे हर चीज मेन्शन है लाइक क्लासिफिकेशन ऑफ वर्कमैन वेदर ही इज टेम्पररी और परमानेंट समझ गए लाइक बदली वर्कमैन की मतलब तर, मतलब यहां पे यह बताया गया कि टेम्प्री है परमानेंट बेसिस पे सेकेंड बताया गया वर्किंग आवर्स क्या होगा हॉलीडेज एज वेल एज वेज रेट्स थर्ड वन इज शिफ्टिंग वर्किंग उसका शिफ्ट क्या है ओके okay? मॉर्निंग है इवनिंग है समझ गए अटेंडेंस एंड लेट कमिंग कि जो वर्कर आ, आ रहे हैं जॉब पे जो इंप्लाइज आ रहे हैं उनकी अटेंडेंस को लेकर बताया गया कि उसका अटेंडेंस को लेकर या फिर वो लेट आ रहा है तो लेट क्यों आ रहा है उसका हर चीज़ के बारे में यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन बताया गया फिफ्थ वन इज़ प्रोसीजर इन अप्लाइंग लीव एंड हॉलीडेज के बारे में बताया गया हॉलीडेज वगैरह कब है क्या है

फिर रिमेडीज अवेलेबल फॉर द वर्क मैन इन केस ऑफ अनफेयर लेबर प्रैक्टिस ओके अनफेयर लेबर प्रैक्टिस एंड लास्ट वन इज एनी अदर मैटर विच मे बी प्रिस्क्राइब मतलब इसका स्टैंडिंग ऑर्डर के कहने का मतलब यह है कि यहाँ पे सीधे तौर पे यह बताया गया है लाइक स्टैंडिंग ऑर्डर एक्चुअली डिसाइड्स द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड इट इंक्लूड्स लाइक वर्किंग सिफ्ट अटेंडेंस लेट कमर जो है सैलरी कट कैसे होगा या फिर परमानेंट टेम्पररी एम्प्लॉय एम्प्लॉय का बात कर रहा है कि इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट की बात कर रहा है सस्पेंशन डिसमिसल का बात कर रहा है अनफेयर ट्रीटमेंट की बात कर रहा है गिरवांशन रिड्रेसल की बात कर रहा है तो हर चीज़ जो एम्प्लॉयमेंट की टर्म्स एंड कंडीशन जो होगी वो चीज़ यहाँ पे मैंशन होता है स्टैंडिंग ऑर्डर मतलब आप मोटा मोटी इतना समझ लीजिए अब आगे आते हैं सेक्शन थ्री से स्टार्ट करते हैं सेक्शन थ्री क्या है, यहां पे बात कर रहा है समीशन ऑफ ड्राफ्ट स्टैंडिंग ऑर्डर्स सो थिंग बट स्टैंड ऑर्डर बिफोर अप्रूवल इज ड्राफ्ट स्टैंडिंग ऑर्डर जब तक ऑर्डर को अप्रूवल नहीं मिलेगा तो उसको ड्राफ्ट स्टैंडिंग ऑर्डर मानेंगे और देखिए यहाँ पे क्या बताया गया एवरी एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री एट द टाइम ऑफ पासिंग द इनैक्टमेंट विद इन अफ सिक्स मंथ फ्रॉम द डेट ऑन पासिंग विच द इनैक्टमेंट वॉज पास दे हैव टू ड्राफ्ट अ स्टैंडिंग ऑर्डर एंड दैट मस्ट बी सबिट इट टू सर्टिफाइंग ऑफिसर

देखिए समीशन ऑफ जो ड्राफ्ट स्टैंडिंग ऑर्डर्स है इसमें छह महीने के अंदर जब भी किसी एक इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट में सॉरी इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट पे कानून एप्लीकेबल होता है तो उस केस में क्या होता है कि उस इंडस्ट्री एस्टेब्लिशमेंट को सर्टिफाइंग ऑफिसर को स्टैंडिंग ऑर्डर को को लाइक like, उसमें फाइव कॉपी भेजनी पड़ पड़ेगी लाइक कहाँ अप्लाई करना है जहाँ पे सौ या सौ से ज्यादा वर्क मैन काम कर रहे हैं यहां पे याद रखना है आपको यहाँ पे क्या है कि सौ या सौ से ज्यादा वर्कमैन काम करना बहुत जरूरी है एंड यहाँ पे जो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट जो होंगे उनको दो मंथ का नोटिस देना पड़ेगा ओके okay. अब यहाँ पे ये बताया गया कि एम एस ओ क्या होता है एम एस ओ तो एम एस ओ होता है लाइक मॉडर्न स्टैंडिंग ऑर्डर ओके अब मॉडर्न स्टैंडिंग ऑर्डर क्या होता है मॉडर्न स्टैंडिंग ऑर्डर ये होता है कि एक ऐसा कानून लाइक like ऐसा लॉ होता है जैसे कि लेकिन कानून नहीं होता है एक्चुअली में लेकिन एक कानून जैसा होता है एक तरीके से एक तरीके से आप उसको ये मान सकते हो कि एक तरीके से कानून जैसा बनाया हुआ है पर रियल में वो कानून नहीं होता है, एक ड्राफ्ट टाइप का होता है लेकिन एक ऐसा कानून जो कि कानून नहीं होता है लेकिन आप उसको उसके रेफरेंस लेके स्टैंडिंग ऑर्डर ड्राफ्ट कर सकते हैं समझ गए एम एस एस एम एस ओ मतलब एक तरीके से नकली टाइप का होता है पर उसको एक तरीके से आप उसको उसका रेफरेंस लेके स्टैंडिंग ऑर्डर ड्राफ्ट कर सकते हैं मतलब अगर आपको टर्म्स एंड कंडीशन नहीं समझ में आ रही है तो आप एम एस ओ को देखिए उसमें हर चीज़ प्रोसीजर बता दिया गया है उसके हिसाब से इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट का स्टैंडिंग ऑर्डर ड्राफ्ट करिए गए तो इसमें यह चीज़ बताया लाइक मेंशन वर्क्स एंड डिटेल्स ट्रेड यूनियन के बारे में बताया गया डिटेल्स के बारे में ग्रुप ऑफ एम्प्लॉयर के बारे में बताया गया तो सिमिलर हर चीज में जैसे यहां पर छूट दिया ग्रुप ऑफ एम्प्लॉयर को लेकर सिमिलर गवर्नमेंट ने ओके okay, तो इन केस ऑफ मोर देन वन एम्प्लॉयर दे शुड समिट ज्वाइंट स्टैंडिंग ऑर्डर इन केस ऑफ ग्रुप ऑफ एम्प्लॉयर ओके सो सेक्शन थ्री क्लियर हो गया यहां पे बस ये बताया है कि सबमिशन ऑफ ड्राफ्ट जो होगा वो किस तरीके से होगा अगर किसी को एमएसओ में यह बताया गया कि ड्राफ्ट अगर आपको समझ में नहीं आ रहा स्टैंडिंग ऑर्डर में जो टर्म्स एंड कंडीशन कैसे लिखने हैं तो आप एमएसओ को रेफर कर सकते हैं एमएसओ में आपको सब चीज मिल जाएगा जो मॉडर्न स्टैंडिंग ऑर्डर है एक तरीके से उसका रेफरेंस ले सकते हैं आप अब. अब आगे आते हैं सेक्शन फोर क्या बात करता है कंडीशन फॉर सर्टिफिकेशन ऑफ स्टैंडिंग ऑर्डर कि इसे कंडीशन क्या क्या होंगे सर्टिफिकेशन ऑफ स्टैंडिंग ऑर्डर के तो यहां पे बोलता है व्हाट व्हाट आर

तो सर्टिफाइंग ऑफिसर वेरीफाई करेगा वेदर द प्रोविजन जो दिया गया है मेड किया गया है एम्प्लॉयर फॉर ऑल द सब्जेक्ट मैटर्स जो सब्जेक्ट विषय वस्तु है हर चीज सही है या नहीं है इस शेड्यूल में एंड स्टैंडिंग ऑर्डर शुड ऑल्सो इन कन्फर्मिटी विद द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट ओके एंड सर्टिफाइंग ऑफिसर द ऑथोरिटी टू डिसाइड क्योंकि हाई ऑथोरिटी तो उसी के पास है डिसाइड करेगा वेदर टू ग्रांट द सर्टिफिकेशन एंड ही मे ऑल्सो सजेस्ट फॉर मॉडिफिकेशन ऑफ द स्टैंडिंग ऑर्डर इन फॉर्म ऑफ एडिशन ऑफ रूल्स इन ड्राफ्ट स्टैंडिंग ऑर्डर एंड आफ्टर द फुलफिल ही विल सर्टिफाई अब क्या है कि देखिए सर्टिफाइंग ऑफिसर के पास ये राइट right होता है ऑथोरिटी होता है क्योंकि उसको ऑथोरिटी ये पावर दिया गया है कि वो मोडिफिकेशन अगर मान लीजिए उसको देखने में लग रहा है कि ये सर्टिफिकेशन इसकी नहीं हो पाएगी तो उसमें कोई चेंजेस लाने हैं मोडिफिकेशन लाने हैं देन सर्टिफाइंग ऑफिसर विल होल्ड दैट पर्टिकुलर जो स्टैंडिंग ऑर्डर है उसको ड्राफ्ट को होल्ड कर लेगा एंड उसको कहेगा कि उसको जो टर्म्स एंड कंडीशन जो एडिशनल जो चाहिए उसको मेंशन करो और उसके बाद उसको सर्टिफाई करेगा वह समझ गए तो सेक्शन फोर बात करता है केवल कंडीशन फॉर सर्टिफाइंग ऑफ स्टैंडिंग ऑर्डर्स मुझे लगता है ये क्लियर हो गया सेक्शन फोर सेक्शन फाइव पे आते हैं सेक्शन फाइव क्या बात करता है तो बेसिकली सेक्शन फाइव जो है वो बात करता है सर्टिफिकेशन ऑफ स्टैंडिंग ऑर्डर स्टैंडिंग ऑर्डर की सर्टिफिकेशन कैसे होगी मतलब क्या होगा तो इसको मैं पहले समझा देता हूँ सर्टिफिकेशन ऑफ स्टैंडिंग ऑर्डर में बताया गया कि सर्टिफिकेशन ऑफिसर एक कॉपी ट्रेड यूनियन को या फिर ऑफ वर्कर को देगा समझे अब क्या है कि जो सर्टिफिकेशन जो सर्टिफिकेशन जो होता है तो सर्टिफाइंग ऑफिसर जो होता है यहाँ पे वो क्या करेगा ना वो एक कॉपी ट्रेड यूनियन को देगा या फिर जो रिप्रेजेंटेटिव है ट्रेड यूनियन का आप समझ सकते हो तो सर्टिफाइंग कॉपी जो होता है तो उसमें रहता है कि अगर आपको ऑब्जेक्शन है ऑब्जेक्शन है तो पंद्रह दिन के अंदर भेजें उसको जो वो जो कॉपी है उसका अगर ऑब्जेक्शन है तो पंद्रह दिन के अंदर भेजें इन फिफ्टीन डेज अब बताता हूँ मैं ऑब्जेक्शन है तो ट्रेड यूनियन या फिर रिप्रेजेंटेटिव जो होगा वो करेगा ये उसका राइट मिला हुआ है कि अगर आपको ऑब्जेक्शन अगर करना है तो आप पंद्रह दिन के अंदर कीजिए और उसकी उसका वो राइट right है जैसे यहां पे बताया गया वेन द ड्राफ्ट स्टैंडिंग ऑर्डर इज समिटेड ही सेल फॉरवर्ड इट अ कॉपी टू द ट्रेड यूनियन और वर्कमैन रिप्रेजेंटेटिव ओके जो प्रतिनिधित्व कर रहा है एक यूनियन का या फिर वर्कमैन का इफ सर्टिफाइंग ऑर्डर इज सेटिस्फाइड बाई फुलफिलिंग ऑल द कंडीशन अंडर सेक्शन फोर देन इट सेल सेंड टू द ट्रेड यूनियन और वर्कमैन रिप्रेजेंटेटिव आफ्टर सर्टिफाइंग इट विल सेंड टू द ट्रेड यूनियन ओके

लाइक टू द वर्कमैन ऑफ द इंडस्ट्री जो इंडस्ट्री का वर्कमैन है उसको दिया जाएगा या फिर लाइक द ट्रेड यूनियन और द अदर रिप्रेजेंटेटिव एज द केस मे बी लाइक आर टू बी हर्ड जिसके बारे में सुना जाएगा अब आते सेक्शन फाइव सर्टिफिकेशन ऑफ स्टैंडिंग ऑर्डर की बात करता है कि इसके सर्टिफिकेशन मतलब मिल रहा है तो वो एक टाइम पीरियड मिलता है उसको पंद्रह दिनों का उसमें कोई अगर उसको ऑब्जेक्शन है सर्टिफिकेशन को लेकर तो वो मोडिफिकेशन करेगा और ये डिसाइड करेगा अब सात दिन के अंदर भी यहाँ पे बात किया गई सात दिन के अंदर ट्रेड यूनियन या फिर वर्कमैन को भेजेगा अब जो टाइम पीरियड है समझ ही गए आप यहाँ पे वही चीज सेवन डेज लिख दिया है कि मैं कर दे रहा रहूँ आफ्टर अपॉर्चुनिटी ऑफ बींग हर्ड ही विल डिसाइड वेदर टू ग्रांट और नॉट एंड पास एंड ऑर्डर केस इफ ही फेल्स एनी मॉडिफिकेशन अगर उसे लगता है कोई मॉडिफिकेशन चाहिए ही कैन सजेस्ट एंड इट मतलब ऑब्जेक्शन है पंद्रह दिन के अंदर आप भेजें अगर ऑब्जेक्शन है तो ट्रेड यूनियन रिप्रेजेंटेटिव और ट्रेड यूनियन है जो भी है उसको पंद्रह दिन के अंदर भेजना पड़ेगा अगर उसमें कोई मॉडिफिकेशन करना है तो मॉडिफिकेशन के बाद वो डिसाइड करेगा कौन सर्टिफाइंग ऑफिसर सात दिन के अंदर ट्रेड यूनियन या वर्कमैन को भेजेगा वो मॉडिफिकेशन करके या फिर जो इंप्लॉयर होगा उसको भेजेगा समझ गए यही चीजें बोल दी गई है मैं रीड कर दे रहा हूं इन केस इफ यू फिल्स एनी मॉडिफिकेशन ही कैन सजेस्ट एंड सर्टिफाइड

इसमें बात किया गया है कि अपील इम्प्लॉयर वर्कमैन ट्रेड यूनियन या फिर रिप्रेजेंटेटिव रिप्रेजेंटेशन ऑफ जो वर्कर है या फिर रिप्रेजेंटेशन जो कर रहा है ट्रेड यूनियन का वो सर्टिफाइंग ऑफिसर जो होता है सर्टिफिकेशन ऑफ जो सर्टिफाइंग तो 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 ऑफिसर जो होता है, जो जो है। जो जो वो उसके ऑर्डर को ऑब्जेक्शन में डाल सकता है उसके ऑर्डर को ऑब्जेक्ट कर सकता है सो तीस दिन का तो यहाँ पे जो अप्रूवल है तीस दिन के अंदर अप्रूवल कर सकते हैं या फिर अपीलेट ऑथोरिटी डिसाइड करेगी अगर फाइनल हो जाएगा तो सो so, यहाँ पे यह है कि स्टैंडिंग ऑर्डर को कंफर्म करेगा या फिर कोई चेंज होगा उसमें तो वो इस चीज को देखेगा मोडिफिकेशन है तो मैं रीड कर दे रहा हूं एनी एम्प्लॉयर ट्रेड यूनियन रिप्रेजेंटेशन ऑफ वर्कमैन कोई भी जो इसकी प्रतिनिधित्व कर रहा है कोई भी इंप्लॉयर हो सकता है कोई भी ट्रेड यूनियन हो सकता है कोई रिप्रेजेंटेशन ऑफ वर्कमैन हो सकता है हु मे बी एग्रीव बाय द ऑर्डर ऑफ सर्टिफाइंग ऑफिसर मे मेक एन अपील टू द एप्लियट ऑथॉरिटी एप्लियंट ऑथॉरिटी जो होता है यहाँ पे कौन है एप्लियंट ऑथॉरिटी तो वहां पे अपील करेगा तीस दिनों का टाइम पीरियड इनके पास होता है इंप्लायर के पास ट्रेड यूनियन के पास या फिर रिप्रेजेंटेशन है इनका कोई कर रहा है वर्कमैन का तो उनके पास तीस दिनों का टाइम पीरियड होता है फ्रॉम द डेट ऑफ सर्टिफाइंग ऑर्डर जब सर्टिफाइंग ऑर्डर आता है उस दिन से रिसीव होता है ट्रेड यूनियन के पास तो उस दिन से तीस दिन दिनों तक इनको मिलता है कि अगर आपको कोई अगर कोई मतलब चेंजेज करने ऑब्जेक्शन तो है तो आप बताइए उसके अपील में जा सकते हैं सो द डिसीजन ऑफ अपीलेंट बी फाइनल बाइंडिंग ऑन ऑल द पार्टीज और जो डिसीजन होगा अपीलेंट ऑथरिटी का वो फाइनल बाइंडिंग हुआ सारे पार्टी पार्टी पर, पे ओके एंड अपीलेंट ऑथरिटी हैज द पावर टू मॉडिफाई और सजेस्ट फॉर एनी एडिशनल इंफॉर्मेशन उसके पास पावर है कि अपीलेंट ऑथॉरिटी का कि वो मॉडिफाई करेगा सजेस्ट करेगा जो एडिशनल इंफॉर्मेशन जो उसमें होंगे तो एडिशनल इंफॉर्मेशन को भी वो मतलब एड करेगा ओके एंड द सेंड द फाइनल कॉपी और ऑर्डर कॉपी विद इन द स्पैन सेवन डेज अब जैसे कि आपको पता है उसमें जो सर्टी, जो सर्टिफाइंग ऑफिसर होता है उसके पास भी मॉडिफिकेशन के बाद वो सात दिन के टाइम पीरियड लेता है तो उसको सात दिन के अंदर वो फाइनल कॉपी वो भेजेगा सर्टिफाइंग ऑफिसर अब यहाँ पे कहा गया द अपील एंड ऑथरिटी सेल सेंड द फाइनल कॉपी और ऑर्डर कॉपी विद इन सेवन डेज टू द सर्टिफाइंग ऑफिसर इन केस इफ द अपीलेंट अथॉरिटी सजेस्ट द मॉडिफिकेशन अगर अपीलेंट अथॉरिटी मॉडिफिकेशन को सजेस्ट करता है इट से अलॉन्ग विद्राफ्ट सेंडिंग ऑर्डर विद द पार्टीज एंड द अपीलेंट अथॉरिटी हैज़ द पावर टू मॉडिफाई मॉडिफाइज देन दैट कॉपी विल सेंड बैक टू द पार्टीज ये बहुत आसान है बस आपको यहाँ पर यह जानना है बस कि अपील कोई भी इम्प्लॉयर कर सकता है वर्कमैन कर सकता है ट्रेड यूनियन कर सकता है और या फिर वर्कर्स के जो वर्कमैन जो है उनके रिप्रेजेंटेशन जो कर रहा है वो कर सकता है ठीक है अब ये ये किसके ऑर्डर ऑर्डर पे अपील करेगा जो सर्टिफाइंग ऑफिसर जो है उसके ऑर्डर है उस पर कर, ऑब्जेक्ट कर कर सकता है तीस दिन के अंदर अपील कर सकता है वो जो ऑर्डर आया है जो सर्टिफाइंग ऑफिसर के साइड से उसके उस ऑर्डर के लिए वो तीस दिन के अंदर अपील कर सकता है अगर कोई ऑब्जेक्शन होता है तो समझ गए अपीलेट so, डिसाइड करेगा फाइनल जो पावर दिया गया करता है और स्टैंडिंग ऑर्डर को कंफर्म करेगा वही अपीलेट ऑथोरिटी और कोई चेंज होगा तो वो कर देगा उसमें जो भी मॉडिफिकेशन होना चाहिए था समझ गए सेक्शन सेवन बात करता है डेट ऑफ ऑपरेशन ऑफ स्टैंडिंग ऑर्डर अब डेट ऑफ ऑपरेशन कब होगा इसको समझा दे रहा हूं लाइक like, यहाँ पे देखिए डेट ऑफ ऑपरेशन कब होगा जब अपील या फिर नहीं अपील मान लीजिए किसी ऑर्डर पे अपील गया है या फिर अपील नहीं गया है मान लीजिए स्टैंडिंग ऑर्डर कोई है उस स्टैंडिंग ऑर्डर को बनने में बनने के बाद उसमें कोई मॉडिफिकेशन नहीं हुआ कोई चेंजेस नहीं हुआ तो उसमें कोई अपील नहीं गया है तो तीस दिन का आपके पास टाइम पीरियड होता है ना जैसे कि मैंने अभी बताया ना कि तीस दिन का टाइम पीरियड आपको मिलता है तीस दिन का टाइम पीरियड किस लिए मिलता है तीस दिन का टाइम पीरियड मिलता है आपको कि उसमें आप कोई ऑब्जेक्शन डाल सकें मान लीजिए कोई स्टैंडिंग ऑर्डर बन गया है ड्राफ्ट हो गया है और उस पर सब मुहर लग गया सब तैयार हो गया अब उस पर आपको पास तो टाइ, टाइम पीरियड है तीस दिन का कि अगर आपका कोई ऑब्जेक्शन है तो आप उसको अपील में कर सकते हैं अगर आपने अपील नहीं किया तो इकतीसवां दिन से उसको वो मान लिया जाएगा समझे अगर आपने अपील किया है अगर आपने अपील किया है दिन अपील में सात दिन के एक्सपायरी होने पे जहां पे ऑर्डर ऑफ अपील कॉपी भेजी गई थी वहां वर्कमैन को वो करना पड़ेगा समझ गए तो यहाँ पे बस ये समझ लीजिए लाइक डेट ऑफ ऑपरेशन ऑफ स्टैंडिंग ऑर्डर्स ओनली द डेट ऑफ एक्सपायरी ऑफ थर्टी डेज फ्रॉम द सर्टिफिकेशन और द एक्सपायरी ऑफ सेवन डेज फ्रॉम द ऑथेंटिकेशन ऑफ स्टैंडिंग ऑर्डर समझ गए अब अब यहाँ पे रीड कर दे रहा हूँ एवरी सर्टिफाइंग स्टैंडिंग ऑर्डर सेल कम इन द ऑपरेशन आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ थर्टी डेज फ्रॉम द डेट ऑफ पासिंग ऑर्डर ओके इफ नो अपील इज पेपर्ड फ्रॉम द डेट ऑफ एक्सपायरी ऑफ थर्टी डेज इट कम्स इन टू फोर्स इफ़ एनी अपील इज पेफर्ड आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ सेवन डेज इट सेल कम इन टू ऑपरेशन फ्रॉम द डेट ऑफ अपील ऑर्डर इज पास्ट बहुत आसान है ये सेक्शन सेवन डेट ऑफ ऑपरेशन की बात करता है अगर कोई अपील नहीं गया तो तीस दिन के बाद इकतीसवां दिन में वो तो ऐसा ही मान लिया जाएगा समझ गया अगर कोई अपील गया है तो सात दिन का टाइम पीरियड होल्ड करेगा सात दिन का एक्सपायरी होना बहुत जरूरी है क्योंकि सात दिन तो वो लेगा ही जैसे उस समय मैंने बताया था आपको कि सात दिन के अंदर वो ट्रेड यूनियन या वो वर्कमैन को भेजेगा जो इम्प्लॉयर होगा उसको भेजेगा क्योंकि अब मॉडिफिकेशन कुछ करना है कुछ ऑब्जेक्शन है तो सात दिन का टाइम पीरियड वो डिसाइड करने में लेता ही है सेक्शन एट बात करता है रजिस्टर्ड ऑफ स्टैंडिंग ऑर्डर कि स्टैंडिंग ऑर्डर की रजिस्टर्ड uh, कैसे होगी सर्टिफाइड स्टैंडिंग ऑर्डर सेल बी फाइल इन रजिस्टर्ड में परपोज और एक्ट ओके सेक्शन एट बात करता है अब सेक्शन नाइन बात करता है पोस्टिंग ऑफ स्टैंडिंग ऑर्डर पोस्टिंग ऑफ स्टैंडिंग ऑर्डर में क्या बात किया गया लाइक द टेक्स्ट ऑफ स्टैंडिंग ऑर्डर एज फाइनली सर्टिफाइड सेल प्रमिनेंटली बी पोस्टेड इन इंग्लिश ओके और इन द लैंग्वेज अंडरस्टूड बाई मेजोरिटी ऑफ वर्क वर्क मैन ऑन द स्पेशल बोर्ड और नियर द एंट्रेंस ऑफ मेजोरिटी ऑफ वर्कर्स लाइक सपोज इफ अगर वो एरिया लोकल है इंग्लिश में तो जाएगा ही मेन जो लैंग्वेज इंग्लिश होगा ही यहाँ पे जो पोस्टिंग ऑफ स्टैंडिंग ऑर्डर जो पोस्ट किया जाएगा वो उसका मेन जो भाषा होगा वो अंग्रेजी भाषा में जाएगा मीन्स इट विल भी इन इंग्लिश लैंग्वेज एंड जो मेजोरिटी ऑफ लोग जो मेजोरिटी ऑफ पीपल्स जो लैंग्वेज बोलते हैं उसमें जाएगा फिर कोई लोकल लैंग्वेज मान लीजिए तमिलनाडु में तो वहाँ का लोकल लैंग्वेज तमिल है तो वो तमिल लैंग्वेज में जाएगा मान लीजिए दिल्ली में है तो यहाँ पे हिंदी है तो हिंदी में जाएगा हिंदी एंड इंग्लिश में ओके सो so, तो लोकल लैंग्वेज या जो मेजोरिटी ऑफ पीपल्स जो लैंग्वेज वहाँ पर बोला करते हैं बोलते हैं उस लैंग्वेज में जाएगा समझ गए उस लैंग्वेज में भी इंग्लिश में तो जाएगा ही एंड लाइक like यहाँ पर यह भी बताया गया स्पेशल बोर्ड यहाँ पे मतलब कहाँ पे लगाया जाएगा ये जो स्टैंडिंग uh, ऑर्डर की पोस्टिंग कहाँ पे की जाएगी तो यहाँ पे बताया गया नियर द एंट्रेंस फॉर मेजोरिटी ऑफ वर्कर्स ओके सो सेक्शन टेन में बात किया गया ड्यूरेशन मॉडिफिकेशन ऑफ स्टैंडिंग ऑर्डर के बारे में अब बहुत ज़्यादा लंबा लेक्चर हो गया तो इसमें बस ये बताया गया ड्यूरेशन के बारे में अगर कोई मॉडिफिकेशन है तो छः महीने यहाँ पे बताया गया कि लाइक इफ देर इज एनी एग्रीमेंट बिटवीन द एम्प्लॉज एंड वर्कर इट कैन बी नोटिफाई नोटिस इन द एम्पायर ऑफ सिक्स मंथ फ्रॉम द डेट ऑन विच इट कम टू द फोर्स ओके एट द डेट ऑफ इन्फोर्समेंट से छः महीने के जो टाइम पीरियड दिया गया नोटिस सो यहाँ पे आपको सेक्शन जो टेन ए है ना ये यह यहाँ पे मैंने नहीं डाला है सेक्शन टेन ए जो है बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि so सेक्शन टेन में ए में बात करता है पेमेंट ऑफ सबसिस्टेंस एलायंस टू द सस्पेंडेड वर्कर की जो सस्पेंडेड वर्कर होंगे तो सस्पेंडेड वर्कर जो होंगे इनकी जो पेमेंट और अलायंस के बारे में बात किया गया लाइक like, लाइक फिफ्टी परसेंट जो इनके जो वेजेज होंगे ना वो बेजेज इनको दिए जाएंगे अगर उनको सस्पेंड किया गया है तो और ये लगभग नाइन्टी डेज तक उनको ये पेमेंट दिया जाएगा समझ गए एंड एट द रेट ऑफ सेवेंटी फाइव परसेंट ऑफ सच वेजेज फ्रॉम द रिमेनिंग पीरियड ऑफ सस्पेंशन इफ द डिले इन कंप्लीसन ऑफ डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग जो है उसके अगेंस्ट उसकी कम्प्लीशन में टाइम लग रहा है तो वर्कमैन इज़ नॉट डायरेक्टली अट्रीब्यूट टू द कंडक्ट ऑफ सच वर्कमैन अब यहाँ पे क्या है कि यह बताया गया कि एट द रेट ऑफ सेवेंटी फाइव परसेंट ऑफ सच वेजेज फ्रॉम द रिमेनिंग पीरियड उनको दिया जाएगा अब जैसे कि यहाँ पर यह बताया कि कोई भी वर्कर अगर सस्पेंड कर दिया गया तो फिफ्टी परसेंट उसको सैलरी दिया जाएगा नब्बे दिनों तक कंटिन्यू ओके okay. अब टेन है एक बार आप पढ़ लेना सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है मैंने यहाँ पर ऐड नहीं किया सेक्शन इलेवन बात करता है पावर ऑफ़ सर्टिफाइंग ऑफिसर जो सी आर पी सी में इसकी प्रोविजन लाइक एवरी सर्टिफाइंग ऑफिसर एंड अपीलेंट अथॉरिटी सैल है पावर्स ऑफ सिविल कोर्ट्स फॉर द पर्पज ऑफ़ द एविडेंस एज पर सेक्शन 345 फोर्टी फाइव एंड थ्री ओके सी आर पी सी टू कंसिडर द सर्टिफाइंग ऑफिसर एट सिविल कोर्ट अब सेक्शन 12 ए बात करता है टेम्प्री एप्लीकेशन ऑफ द मॉडल स्टैंडिंग ऑर्डर अब मॉडल स्टैंडिंग ऑर्डर के बारे में मैंने बताया ही था कि मॉडल स्टैंडिंग ऑर्डर होता क्या है समझ गए सो मॉडल स्टैंडिंग ऑर्डर क्या होता है कि मॉडल स्टैंडिंग ऑर्डर होता है कि एक ऐसा कानून जो कि कानून नहीं है लेकिन उसको उसको रेफरेंस लेते हैं रेफरेंस लेकर मॉडर्न स्टैंडिंग ऑर्डर को रेफरेंस लेकर वो करते हैं वहाँ पे समझ के सो so, ये तो क्लियर हो गया एंड यहाँ पे ये बताया गया कि द प्रिस्क्राइब मॉडल स्टैंडिंग ऑर्डर टिल द गेट सर्टिफिकेशन ऑफ स्टैंडिंग ऑर्डर दिस वुड अप्लाई टू द मॉडल स्टैंडिंग ऑर्डर प्रिस्क्राइब बाई द एक्ट में जो प्रिस्क्राइब है एम एम एस ओ जिसे मैंने बताया था इसको मैंने वहाँ पे मॉडर्न कर दिया था बार बार मॉडर्न बोल दिया था मॉडल स्टैंडिंग ऑर्डर होता है ये एक्चुअली सो दिस प्रोविजन इज नॉट एप्लीकेबल टू द टेम्प्ररी एप्लीकेशन ऑफ मॉडल स्टैंडिंग ऑर्डर टू द स्टेट ऑफ गुजरात एंड महाराष्ट्र इज ऐ अप्रोप्रेट गवर्नमेंट ओके अब यहाँ पे एक चीज़ और बताया गया है मॉडल स्टैंडिंग ऑर्डर के बारे में कि प्रोविजन इज़ नॉट एप्लीकेबल क्योंकि मॉडल स्टैंडिंग ऑर्डर की प्रोविजन यहाँ पे महाराष्ट्र और गुजरात के स्टेट गवर्नमेंट में मान लीजिए कि कोई इंडस्ट्री है उसकी एस्टेब्लिशमेंट हुई है या कोई ट्रेड यूनियन है उसकी एस्टेब्लिशमेंट वहाँ पे इंडस्ट्री की जो इस्टब्लिशमेंट है वो स्टेट इस्टब्लिशमेंट है मान लीजिए कि वो गुजरात में या महाराष्ट्र में उसके इस्टब्लिशमेंट है तो पार्टिकुलर स्टेट गवर्नमेंट वहाँ पे अलाउ नहीं करता ये जो एम एस ओ है वो अलाउ नहीं करता क्योंकि ये इसका रेफरेंस और इसको प, मतलब परमिट नहीं करता वहाँ पर बेसिकली इस एक्ट में ये बताया गया है सो सेक्शन थर्टीन पेनल्टीज एंड प्रोसीजर्स पेनल्टीज एंड प्रोसीजर्स के बारे में बता दे रहा हूँ लाइक फेलर ऑफ एम्प्लॉयर टू सबमिट ड्राफ्ट स्टैंडिंग ऑर्डर देन फाइन वहाँ पे क्या है फाइव थाउजेंड फाइव थाउजेंड वहाँ पर फाइन है ओके एंड रुपीज़ टू हंड्रेड फॉर एवरी डे ऑन कंटिन्यूएशन ऑफ ऑफेंस अगर आप ऑफेंस कंटिन्यू किए जा रहे हैं तो रुपीज़ टू हंड्रेड एवरी डे होगा एंड फाइन ऑफ रुपीज हंड्रेड ऑन कंट्रवेंशन एंड ऑन कंटिन्यूएशन ऑफ ऑफेंस अगर सौ रुपये फाइन यहाँ पर इस चीज़ का लगाया गया है कि अगर कोई ऑफेंस कंट्रीवेंसन करता है और उस ऑफेंस को कंटिन्यू करता है तो रुपीज ट्वेंटी फाइव डेली का होगा समझ गया तो यहाँ पे बस ये याद रखना है कि पाँच हज़ार रुपये फाइन लगेगा अगर आपने फेलर किया है मतलब फेल्यूअर ऑफ़ द एम्प्लॉय टू तो सबमिट ड्राफ्टिंग ड्राफ्ट स्टैंडिंग ऑर्डर की मतलब सबमिशन आपने नहीं किया तो पाँच हज़ार रुपये यहाँ पे फाइन लगेगा ही लगेगा अगर उस ऑफेंस को आप दोहरा रहे हो तो दो हज़ार रुपये डेली से फाइन आएगा जिस दिन से ऑफेंस आपने किया है अब सौ रुपये फाइन आएगा अनक्रवेंशन अगर उसकी कंट्रवेंशन की है आपने तो और अगर उसको कंटिन्यू आप करें तो डेली आपको पच्चीस रुपये उससे जिस दिन से ऑफेंस किया हो उससे ऐड होते जाएगा डेली पच्चीस रुपये फाइन तो ये बताया गया समझ गया तो ये लगता है क्लियर हो गया थर्टीन ये बात करता है इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैंडिंग ऑर्डर स्टैंडिंग ऑर्डर की इंटरप्रिटेशन व्हेन देयर इज एनी डिस्प्यूट एज टू ऑब्लिगेशन और इंटरप्रिटेशन टू द स्टैंडिंग ऑर्डर देन दैट क्वेश्चन मे बी पेपर टू एनी वन ऑफ द लेबर कोर्ट इधर बाई द एम्प्लॉयर और ट्रेड यूनियन और रिप्रेजेंटेटिव ऑफ वर्कमैन आफ्टर रिसीविंग द एप्लीकेशन लेबर कोर्ट सेल गिव एन अपॉर्चुनिटी फॉर बोथ द पार्टीज देन डिसाइड द डिस्प्यूट सो वॉट एवर द डिसीजन गिवन बाई द लेबर कोट सेल बी फाइनल एंड बाइंडिंग ऑन पार्टीज ओके कंक्ल्यूजन में जैसे कि वही चीज बता दी गई है लाइक दिस एक्ट एडमिनिस्टर्स रिलेशन बिटवीन इम्प्लॉयीज एंड एम्प्लॉयर और वर्कमैन ट्रेड यूनियन एंड द बॉस सो आई इंडस्ट्री इज हंड्रेड और मोर दैन हंड्रेड इंप्लॉयीज जैसे मैंने बिगनिंग में बताया था बिगिनिंग में लाइक हंड्रेड या सौ से ज्यादा एम्प्लॉय हैं देन रिक्वायर सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशन टू रन सच इंडस्ट्री कि कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं कि सौ से ज्यादा एम्प्लॉयज हैं आपके इंडस्ट्री में और आपने उसके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन टर्म्स एंड कंडीशन कुछ मैंशन ही नहीं किया तो स्टैंडिंग ऑर्डर्स कैन ऑल्सो बी कॉल्ड As constitution of industries providing guidelines and rules for the better functioning of an industry, hence standing orders fulfills the constitutional objective of securing social, like socio-economic justice in an industry. Okay, I think this is clear. So, thanks for watching. This is Deepak Anandan signing off.